मध्य प्रदेश की राजधानी में हूँ, यहाँ से हम जानेंगे 2023 के चुनाव में कौन जीतने वाला है, कमल या कमलनाथ। कमलनाथ आएंगे, नशा मुक्ति बंद करेंगे। पहले जो शिवराज सिंह उनने नशा मुक्ति, कमलनाथ क्यों भैया? बदलाव चाहते हैं हम, शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहते। नहीं चाहते, जगह जगह होर्डिंग लगा हुआ है कि मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूँ। तो आप शिवराज सिंह चौहान हैं? अब वो मैं शिवराज सिंह चौहान होता तो आपके सामने ऐसा थोड़ी खड़ा होता। शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है? नहीं, नहीं किया। नहीं किया, नहीं। तो बदलाव में किसे देख रहे हैं? बदलाव आना चाहिए कांग्रेस को या कोई और? कांग्रेस को बिल्कुल 100% बदलाव। 100% कांग्रेस, कांग्रेस। अरे 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 अरे, इधर आइए, इधर आइए। मामा मामा काम कर रहे हैं आपके लिए। मामा 30,000 करोड़ का खर्चा देके जा रहे हैं हमें। 30,000 करोड़ का कर्जा देकर जा। आपको क्या लग रहा है? कमलनाथ आएगा भैया। कमलनाथ एकदम बिल्कुल मूड चेंज हो गया। शिवराज सिंह ने लोगों को तो लोगों को लेकिन लुगाइयों को भी घर बैठे दिया है। मामा खुद कह चुके कि मैं जा रहा हूँ। मामा कह रहे हैं जिता लो वरना पछताओगे। रोजगार तो बांटा जा रहा है रेवड़ी की तरह। रेवड़ी की तरह वो गलत काम है। रोजगार है ही नहीं है मध्य प्रदेश में। कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। बेवकूफ बनाते रहते हैं, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी में हूँ, यहाँ से हम जानेंगे 2023 के चुनाव में कौन जीतने वाला है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आज 2 दिन से घूम रहा हूं। जगह जगह पर होर्डिंग लगी है कि मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूं। तो क्या जनता मानती है कि मैं शिवराज सिंह चौहान हूं या नहीं हूं? कितना योजना दिया है शिवराज सिंह चौहान ने जनता को, इस पर चर्चा करेंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं तो किसके साथ जाएंगे? राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही हैं, उसका असर मध्य प्रदेश में कितना पड़ने वाला है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो भैया ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है? मेरी यहाँ बस स्टैंड में दुकान है, पूरे 2 साल का लॉकडाउन का इन्होंने पूरा किराया वसूला नगर निगम ने। पूरे छोटे छोटे दुकानदार हैं बेचारे, अपना परिवार चला रहे हैं छोटी छोटी दुकानों से, वो कम से कम 2 साल का इन्हें किराया माफ़ करना चाहिए था। अभी बिजली के बिल इतनी छोटी छोटी दुकानों के 5,000-5,000 रुपये आ रहे हैं। 5,000-5,000 रुपये जी, 5,000 बिजली बिल का बिल। अभी अरे मामा तो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं वो अच्छा, दुकान जगह जगह होर्डिंगे लगा, छोटे दुकानदारों की जेब कट रही है। अच्छा, जगह जगह होर्डिंग लगा हुआ है, लोग उस पर लिखा हुआ है मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूँ। तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान हैं? नहीं नहीं नहीं, हम कोई साथ है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हम नहीं है, हम एक आम आदमी है। शिवराज सिंह चौहान आएंगे या कोई और आएगा? अब देखते हैं जनता को फड़े है तो। आप क्या चाहते हैं बदलाव? अरे वो आ जाए तो और भी अच्छे, सबके लिए भला करना। क्या हाल है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। 2023 का चुनाव आ गया, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिसकी सरकार बनेगी बन जाएगी। बदलाव चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को? अरे बदला जाए तो ठीक है, नहीं बदला तो ठीक है, क्या करें जनता के लिए, कुछ नहीं करना। नहीं चाहते भैया बदलाव चाहते हैं कि? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम, शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहते। नहीं चाहते, जगह जगह होर्डिंग लगा हुआ है कि मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूँ। तो आप शिवराज सिंह चौहान हैं? अब वो मैं शिवराज सिंह चौहान होता तो आपके सामने ऐसा थोड़ी खड़ा होता, मंच पर खड़ा होता। हाँ, तो आप खुश हैं? खुश होते तो फिर उन्हें ही बुला लेते ना वापस। अच्छा, आप नाराज हैं? नहीं नाराज भी नहीं है, लेकिन उनने कुछ करा ही नहीं, सिर्फ कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, सिर्फ घोषणाएं करी हैं उन्होंने। नहीं वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, जगह जगह पर रोड बना के दिए 18 साल में। दिखाइए दिखाइए, इधर कैमरा लाइए आपका। हाँ, ये 18 साल का विकास देखिए ना आप, ये 18 साल का विकास है। नादरा बस स्टैंड है ये बस स्टैंड है ये नादरा बस स्टैंड है ये तो काफी चमक तो रहा है। आ, चमक रहा है ना, देखिए गड्ढा मुफ्त बताया गया है, सड़क चमचमा रही है, चमक रहा है ना। हाँ, मैं चेहरा देख रहा हूँ अपना। हाँ, दिख रहा आपको अपना चेहरा? दिखाई दे रहा ना। तो शिवराज सिंह का जो विकास है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब करा होता तो समझ में आता, करा ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। आपको क्या लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है? नहीं, नहीं किया। नहीं किया, तो बदलाव में किसे देख रहे हैं? बदलाव आना चाहिए कांग्रेस को या कोई और? कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों? काम के लिए है? कमलनाथ ने कमलनाथ के 18 महीने जो थे उनके, उसमें लगा था कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन वो सरकार को गिरा दिया। जब वो सरकार गिर गई तो काम कहाँ से होंगे? अच्छा, सरकार गिर गई तो काम कहाँ से होगा? नहीं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, आते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिए थे। लगा ही नहीं, आप भ्रष्टाचार प्रूफ करके तो बताएं कहाँ का कहाँ भ्रष्टाचार हुआ था। तो मध्य प्रदेश में बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। चलिए खैर, देखते हैं। तो आप भी बदलाव चाहते हैं भैया? हाँ, बदलाव चाहते हैं भैया। आप बताएं क्या हाल चाल है, ठीक है? मैं तो ठीक हूँ।
2023 विधानसभा चुनाव आ गया है, लोग कह रहे हैं बदलाव। बिल्कुल 100% बदलाव, 100% कांग्रेस कांग्रेस। अरे 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 अरे, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, ये क्या मतलब है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, उसके बाद चल दिए बोलिए। अरे जगह जगह होर्डिंगें लगी हुई हैं, मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूँ, तो आप नहीं है क्या? मामा गए यार बेचारे, मामा में कुछ नहीं है। मामा काम कर रहे हैं आपके लिए। मामा 30,000 करोड़ का कर्जा देके जा रहे हैं हमें। 30,000 करोड़ का कर्जा देकर जा रहे हैं। 2023 का चुनाव आ गया है, मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, आपको क्या लग रहा है? कमलनाथ आएगा भैया। कमलनाथ एकदम बिल्कुल मूड चेंज हो गया। मूड चेंज नहीं हुआ, इन 400 रुपए की टंकी आज देखो तो 1200 रुपए की टंकी अपन ले रहे हैं क्या, इसलिए अपन तो वही चुने कमलनाथ जी। क्यों भाई कमलनाथ क्यों? शिवराज सिंह चौहान अपने भांजों के लिए इतना काम कर रहे हैं, लाडली बहना है तो पता नहीं क्या क्या। कमलनाथ अपने लिए सही है, कांग्रेस पार्टी से अपन ये हमें लग रहा है खराब हो गए हैं। नहीं अपन तो ये चाहते हैं कि सरकार ने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं दिया। शिवराज सिंह ने लोगों को तो लोगों को, लेकिन लुगाइयों को भी घर बैठे दिया है। लुगाइयों को भी घर बैठे दिया सुनिए, इसके बाद में जिसके घर में जितने सदस्य हैं, हमारे गांव के रिकॉर्ड था कि हमारे गांव में जब जाते थे तो बहुत 10-20 मजदूर मिल जाते थे। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास 2 मजदूर नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? कि शासन इतना दे रही है कि मतलब इतना दे रहे हैं कि घर भी चल रहा है, सब कुछ चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, इतना दे दिए हैं शिवराज सिंह चौहान ने। मजदूरी नहीं है भोपाल के अंदर, कहीं भी मजदूरी नहीं है। सारे मजदूर नहीं निकल रहा है, कहीं भी मजदूरी नहीं है। शिवराज सिंह मामा के साथ मामा हूँ, नाम के मामा है, काहे के नाम के मामा है। अरे मामा मामा होता है, भांजों का ख्याल रखते हैं। अरे कुछ नहीं रखते हैं मामा, नहीं ये सरकार है, ख्याल रखते हैं, आप गलत बता रहे हैं। सरकार है, मैं कुछ नहीं जानता, सब अपने कमलनाथ भी अपना है, शासन भी अपना है जितने। अरे आप कमलनाथ को चाहते हैं या कमल खिलाना चाहते हैं? हम तो खुशबू को समझते हैं, फूल में खुशबू आती है, बाकी ले कमल आती है। कमल भाई खुशबू फूल में आती है कमल। भैया आप ये पंजा चाह रहे हैं, ये भी पंजा चाह रहे हैं, अकेले आप शुरू से ही ये बता रहे हैं हमको खुशबू पसंद है, हमको कमल कमल चाहिए। यार कमल से क्यों फूल, मामा से एक बार बात। कांग्रेस पार्टी है, मेरी सुनो। हाँ आपके सुनो, बहुत अच्छी बात बताऊं मैं। मामा ने खुद कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, मामा खुद कह चुके कि मैं जा रहा हूँ। मामा कह रहे हैं जिता लो वरना पछताओगे। क्या 30,000 करोड़ रुपए कर्जा देना है हमें? रोजगार तो भूल जाओ, 200 रुपए की टंकी से 1200, महंगाई भूल जाओ। आने वाली सरकार 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज पटाएगी पहले। अरे लोग बता रहे कांग्रेस को जिता देते हैं, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं पाती है। बात संभालने की नहीं है, युवा को रोजगार चाहिए, खरीद लेते हैं वो। देखो रोजगार चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा चरम पे, जब मेरे पास काम नहीं है तो मैं महंगाई मेंटेन करूं कैसे? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार तो बांटा जा रहा है रेवड़ी की तरह, रेवड़ी की तरह, वो गलत काम। रोजगार है ही नहीं है मध्य प्रदेश में, रोजगार ही नहीं है। पढ़े लिखे वालों के लिए, अनपढ़ के लिए नहीं है। चाय की चाय बेचने के लिए रोजगार बांटा जा रहा है। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव, आप भी बदलाव जी भैया, आप भी बदलाव चाहते हैं भैया, आप भी बदलाव हो गया हो गया बदलाव चाहिए ले आएगा बदलाव बदलाव चाहते हैं भैया, बदलाव चाहते हैं। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ 2 साल भी जाएगा, 2-2 महीने का राशन पानी दिया उसने। हाँ महंगाई लगती है आपको? महंगाई लगती है। अरे महंगाई क्या, वो तो जिंदगी से महंगाई चल ही रही है भाई। हमने तो जाएगा 1 रुपया और 8 पैसे में गांव लिए, आज के जितने भी है भाई ये महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ेगी वो इनको, तो इनका कहना महंगाई रहे क्या दिक्कत है, लेकिन कमल खिलना चाहिए। शिवराज सिंह आएगा, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान आएगा। 2023 का चुनाव आ गया विधानसभा का, कमल या कमलनाथ? कमल कमल कमल, शिवराज सिंह कमल ही खिलेगा है, कमलनाथ या कमल? सब बेवकूफ बना, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ नहीं, शिवराज, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, हाँ ठीक है, और क्या? कमल या कमलनाथ? कमलनाथ आएंगे, नशा मुक्ति बंद करेंगे, पहले जो शिवराज सिंह उनने नशा मुक्ति। कमलनाथ क्यों भैया? शिवराज मामा तो ठीक है ना कि नहीं ठीक है? वो कलारियां खोलते हैं इसलिए। इंदौर में मतलब शिवराज सिंह चौहान नहीं, कमलनाथ। हाँ कमलनाथ, कमलनाथ आए। मध्य प्रदेश वाले क्या सोच रहे हैं, कमल या कमलनाथ? मोदी मोदी मोदी, बस मोदी मोदी। शिवराज सिंह चौहान की बात आई तो शिवराज तो है ही, तो मोदी है तो शिवराज है। अच्छा हाँ, तो फिर आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।